प्रयागराज में ड्राइवर की लापरवाही से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। मामला शिवपुरी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर इलाके का है, जहां पर पीडीए द्वारा एक बहुमंजिला आवासीय योजना अलकनंदा अपार्टमेंट में निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर स्थानीय ठेकेदार द्वारा ईंटों से लगा हुआ लोडर मंगवाया गया था। नशे की हालत में ड्राइवर द्वारा गाड़ी निकालने की कोशिश में अनियंत्रित होकर अपार्टमेंट के अंदरूनी हिस्से में खेल रही 3 वर्षीय बच्ची के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। आज मेरी बच्ची खेल रही थी पीछे, और मेरी औरत ईंटा भर रही थी, वो मैजिक वाला आया था, मैजिक वाला चढ़ा दिया मेरी बेटी पे, दारू पिया था वो। सर सुबह 11 बजे हमारी लड़की खेल रही थी, हमारे भाई की मतलब उसमें खेल रही थी, तो वो सर आया वो ईंटा उतारने। सर हम लोग तो 1 महीने से थे मतलब यहाँ पे, तो सर ये ईंटे चढ़ा दिया गाड़ी के ऊपर। हम लोग सर पकड़ने की कोशिश किए, वो गया भाग। सर हम लोग बहुत काम कर रहे हो? सर वो पीछे अलकनंदा में सर काम कर रहे हैं, गोविंदपुर में। सर वो पीछे साइड में ईंटा उतार रहे थे, वहीं पे काम कर रहे थे। आसपास काम कर रहे मजदूरों द्वारा ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो मौके से भाग गया। इसी बीच स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को खबर दी गई। घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी चतुर्थ अजीत सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस इस विषय में आवश्यक कार्रवाई कर रही है और गाड़ी को सीज कर दिया गया है, तथा ड्राइवर और उसके मालिक की तलाश की जा रही है, और जल्द ही इस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। हम यहाँ पे कुछ मजदूर सीतापुर बिस्वा क्षेत्र के काम करते हैं अलकनंदा अपार्टमेंट में, और इनकी बच्ची बाहर कहीं बैठी थी, और एक छोटी अप्पे गाड़ी है, उसका ड्राइवर लापरवाही पूर्वक उसने एक्सीडेंट किया, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और बच्ची की मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और गाड़ी जो है वो सीज कर ली गई है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है और जो भी अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाएगी। कहाँ से लेकर आए थे और कहाँ किसका काम चल रहा है? ये अलकनंदा अपार्टमेंट है, इनका काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और जो लेबर हैं वो बिस्वा सीतापुर से आए हैं।